शागिर्द खानदान बनाए कि आप एक दूसरे को पहचान सकें, आपके दरमियान मोहब्बत मोहब्बत का माहौल पैदा हो, भाईचारगी पैदा हो, बरादरी पैदा हो। बस अगर एक इन आकड़ों को मिंदाई अच्छा हो, अल्लाह के नजदीक वही कामयाब और मुकर्रम है जो वाकई मुत्तकियों का हिस्सा है। मैं ये आयत इसलिए किया कि सारे मुसलमान हिंदू सिख ईसाई अगर ये आयत समझ के इसको तदब्बुर तफक्कुर किए तो हमारे अंदर नफरत का माहौल ही नहीं होगा। हम सब भाई भाई, हम सारे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आदम हव्वा के बच्चे हैं, हम सबको भाईदी के साथ रहता है। ये पैगाम ही मुसीबत से देना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी कि हम सब एक दिल का काम करें, हिंदू मुस्लिम हम आंधी हो बड़ादाड़ी हो, हम सब इंसान इंसानियत का जज्बा पैदा करें। इससे मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख शुक्र एहसान अदा करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी हम यहाँ पर ईद उल फितर मना रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस जलसे में हमारे एमएलए शबीर कुजीर सीना बड़ा साहब भी आए, सुदर्शन साहब भी आए और ये बार खड़े हुए कांग्रेस के नुमाइंदे जल्द बैठा भी आए। मैं आप सबको बस इतना ही कहता हूँ कि अमन अमान से चले। बहुत से लोगों ने इस जीत के लिए और डी सी और एस पी साहब ने भी यहाँ पर बहुत से इकदार किए हैं कि दरमियान में कुछ भी यहाँ पर अलग ना हो। अमन और अमान से बहुत भी अमन से रमजान करीब गुजरे हैं, आप भी गुजारे तो फिर से आप सबका शुक्रिया करते हैं। हिंदू का शुक्रिया अदा करते हुए ईद की मुबारक देता हूँ। खुदा اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب البرسرار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن ودخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قريبا। ನಮಸ್ಕಾರ ಕೋಲಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಈ ದಿನ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಪಿ ಸಾಹೇಬ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಿ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಬಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೈನ್ ಉನ್ಸೆ ಮುಖಾ सबको हम सबकी तरफ से पहले तो ईद मुबारक। लास्ट ईयर पिछले साल भी मैं आप लोगों के साथ यहाँ ईद मनाई थी, हम सब ने दुआ मांगी थी कि हमारे कोलार में शांति रहे और ऊपर वाले की दुआ थी हमारे ऊपर और सब कुछ शांति से निकला, इलेक्शन भी बहुत अच्छे से हुए। तो पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आज हम सब लोगों ने मिलकर जो दुआएँ मांगी हैं ऊपर वाला हम रहम करें और आप सबको हम सबकी तरफ से खुश ईद मुबारक। बहुत देरी हो गई। थैंक यू मैडम। आ जाइए।